नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, कोरोना से भारत में हुई दूसरी मौत। दिल्ली में 69 साल की महिला से कोरोना वायरस ने छीन ली जान। कोरोना वायरस का कहर भारत में बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से भारत में दूसरी मौत हुई है। दिल्ली में 69 साल की महिला की मौत कोरोना वायरस से हो गई है। दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 69 साल की महिला जो कोरोना वायरस से पीड़ित थी, उनकी मौत हो गई। इससे पहले कोरोना वायरस से पहली मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई है। यहां 76 साल के बुजुर्ग की मौत कोरोना की वजह से हो गई थी। दिल्ली में कोरोना से पहली मौत, जबकि देश में यह दूसरी मौत है। कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद महिला को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला डायबिटीज और हाइपरटेंशन से भी पीड़ित थी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो महिला पश्चिम दिल्ली की रहने वाली थी। मृतक महिला का बेटा हाल ही में विदेश से लौटा था। इससे पहले कोरोना से पहली मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई। यहां 76 साल के बुजुर्ग की मौत कोरोना की वजह से हो गई। मृतक व्यक्ति अभी 10 दिन पहले सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा से लौटा था। मृतक व्यक्ति 29 तारीख को सऊदी अरब से भारत आया। हवाई अड्डे पर इस व्यक्ति की जांच की गई थी, तब इस व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए गए थे। इस खबर में बस इतना ही। हिंदुस्तान न्यूज डेली की तरफ से आप सभी से अनुरोध है कि आप स्वस्थ रहिए, भीड़ भाड़ जगह इलाके में जाने से बचिए और सैनिटाइजर वगैरह कैरी कीजिए। धन्यवाद।